अच्छा भाई, आज हम स्टार्ट करेंगे डाल्टन्स लॉ के टाइप थ्री न्यूमेरिकल्स। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टाइप थ्री न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा समझने वाले, सबसे ज्यादा मुश्किल हैं, और बेसिकली दे आर रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। ठीक है भाई, दे आर रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ, यानी कि पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, इस फॉर्मूले से होंगे। ठीक है बेटा, रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ है, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, इस फॉर्मूले से होंगे। अब देखो, जैसे कि आप खुद ही देख रहे होंगे कि चैप्टर टू के न्यूमेरिकल्स में वैरायटी कितनी ज्यादा है ना भाई। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, फिर डेल्टन्स लॉ की तीसरी टाइप है, एक टाइप और है, फिर ग्राहम्स लॉ की तीन टाइप्स हैं। तो देखो ना, कितनी सारी वेराइटी है। अब अगर दो सवाल निकालें पेपर में देने के लिए, तो ऑब्वियसली बड़ी टफ चॉइस होती है कि पेपर में चैप्टर टू से दो न्यूमेरिकल कौन से डाले जाएंगे। और इस तरह चांस अगर देखा जाए तो बेटा आपको 10 साल में 4 दफा इस टाइप का सवाल मिलेगा। और ये बड़ी बात है इसलिए क्योंकि इतनी ज्यादा वेराइटी है चैप्टर टू में, उसके बावजूद भी अगर 10 साल में 4 दफा आपको इस टाइप का क्वेश्चन नजर आएगा पास्ट पेपर्स में, तो ये बड़ी बात है। अब जैसे बेटा क्वेश्चन किसी के पास 10 ईयर हो तो बेटा वो भी निकाल के रखिएगा, इसलिए क्योंकि काम आएगी आज के लेक्चर में। मैं पहले एक जनरल सवाल करा रहा हूं। 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 400 टॉर एंड 330 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 630 टॉर आर ट्रांसफर्ड टू अनदर कंटेनर ऑफ 600 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ न्यू कंटेनर। बेटा पहले आप कोशिश करो कि इस सवाल को खुद से पढ़ के ये समझने की कोशिश करो कि आखिर ये इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। सवाल में कह रहे हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 400 टॉर। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम गिवन है 500 सेंटीमीटर, प्रेशर गिवन है 400 टॉर, एंड 330 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 630 टॉर। कार्बन डाइऑक्साइड का भी वॉल्यूम और प्रेशर गिवन है, आर ट्रांसफर टू अनदर कंटेनर ऑफ 600 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ न्यू कंटेनर। बेटा डायग्राम बना के समझा रहा हूं, देखिएगा। इस तरह के कोई भी सवाल, ठीक है बेटा, इस तरह का कोई भी सवाल जो कि पेपर में आता है, उसमें पहले दो गैसेस को अलग, पहले दो गैसेस की बात अलग की गई है। इसको इस तरह से समझेंगे इंशाल्लाह तो समझ में इजीली आ जाएगा।
है कि मैं एक टाइप को स्टार्ट करने से पहले कहता हूं कि यार ये बहुत मुश्किल है, और फिर आप लोग बाद में बोल दोगे सर ये तो आसान है। तो बेटा सबके लिए आसान नहीं है। ऑब्वियसली ये वे ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये बहुत मैटर करती है कि आपको डिस्क्राइब किस तरह से किया जा रहा है। इस सवाल को जब किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है तो देखिए आसानी हो जाती है। पहले दोनों गैसेस अलग अलग कंटेनर में है। पहले कंटेनर में है हाइड्रोजन गैस। बेटा इस कंटेनर का वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है और इसमें हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो कितना है, 400 टॉर। ठीक है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस दूसरे कंटेनर में है। इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 330 सेंटीमीटर क्यूब है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 630 टॉर। अभी कहीं लिखा हुआ नहीं है कि पहले दोनों गैसेस अलग अलग थी, लेकिन बेटा सवाल का सेंस यही है और इस तरह के सारे सवालों को इसी सेंस के साथ करना है। इसी तरह से मैंने आपको बोला था कि आप इस डिस्क्रिप्शन को जब देख लेंगे तो आपके लिए सवाल मुश्किल नहीं रहेगा। अब कह रहे हैं कि एक तीसरा कंटेनर लिया हमने, ठीक है बेटा, एक तीसरा कंटेनर लिया जिसका वॉल्यूम 600 सेंटीमीटर क्यूब है। और बेटा पहले कंटेनर से सारी हाइड्रोजन गैस और दूसरे कंटेनर से सारी कार्बन डाइऑक्साइड इसी एक कंटेनर में डाल दी, तो अब इस नए कंटेनर में गैसियस मिक्सचर बन गया। ठीक है बेटा, पहले कंटेनर से सारी हाइड्रोजन गैस भी इसमें डाल दी, दूसरे कंटेनर से सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें डाल दी, तो इस नए कंटेनर में जिसका वॉल्यूम कितना गिवन है बेटा आपको, 600 सेंटीमीटर क्यूब, इस नए कंटेनर में क्या फॉर्म हो गया है, गैसियस मिक्सचर। इस नए कंटेनर में मिक्सचर का टोटल प्रेशर आपको फाइंड करना होगा। ये सवाल का सेंस है बेटा। समझ में आया सबको कि सवाल है क्या, आपसे पूछा गया क्या। पहले दो गैसेस अलग अलग रखी हुई थी, फिर दोनों को एक ही कंटेनर में डाल दिया और आपसे पूछ रहे हैं कि इस नए कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना होगा। नाउ अहम तरीन बात बेटा, जब हम डेल्टन्स लॉ की इंटरप्रिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहां भी मैंने ऐसा ही कुछ किया था अगर आपको याद हो, और वहां पे मैंने कहा था कि दोनों के प्रेशर्स को ऐड कर दो टोटल प्रेशर आ जाएगा। जाके देखो जरा इंटरप्रिटेशन वाली हेडिंग में डायग्राम अगर आपने बनाई हो, मैंने बोर्ड पे बना के समझाया था कि इंटरप्रेट करना है क्या। बेटा डेल्टन्स लॉ की बात हो रही है, कहां तुम नहीं बनाया ना, तो अगर आपको किसी को याद हो तो मैंने जब डेल्टन्स लॉ की इंटरप्रिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाई थी वहां भी मैंने इसी तरह से किया था कि भाई हमने दो गैसेस अलग अलग कंटेनर में है, तीसरे कंटेनर में दोनों डाल दी, अब इसका टोटल प्रेशर क्या होगा, दोनों के प्रेशर को ऐड कर दो। बेटा आप में से कितने लोगों को ये बात याद है कि मैंने बताई थी, जी वफा याद है, तो फिर आप बोलो कि सर मसला क्या, ऐड करें आंसर आ जाएगा। वहां पे मैंने एक बात और भी बोली थी, जी बेटा वहां पे मैंने एक बात और भी बोली थी कि अगर दो गैसेस अलग अलग कंटेनर्स में हैं और उन्हें मैं सेम कंटेनर में डाल दूं तो दोनों के प्रेशर को ऐड करके टोटल प्रेशर आएगा, सिर्फ और सिर्फ जब जब वॉल्यूम सेम हो। जब वॉल्यूम क्या हो, सेम। बेटा अगर इन दोनों का वॉल्यूम सेम होता और तीसरे कंटेनर का वॉल्यूम भी वही सेम होता और मैं दोनों गैसेस को इसमें डाल देता तो सिंपली दोनों के प्रेशर्स को ऐड करता, टोटल प्रेशर आ जाता। लेकिन यहां पे देखो ना, इन दोनों का सेम है ना, इस तीसरे का सेम है। बेटा जब सेम नहीं है तो प्रेशर्स को ऐड करके टोटल प्रेशर नहीं आएगा। बेटा देखो, आप लोग फर्स्ट ईयर सेक्शन ए के बच्चे हो और आप लोग अगर अपने एटीट्यूड से हमें ये यकीन दिलाते हो कि आप लोग अच्छी तरह पढ़ना डिजर्व नहीं करते तो ऑब्वियसली बेटा हमारे दिमाग के अंदर कोई ऐसा खलल नहीं पाया जाता कि हम आपको बहुत मेहनत से उस लेवल पे जाके पढ़ाएं जो इस वक्त सेकेंड ईयर बैठी हुई है उनको, जिस लेवल में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, जो गुजरी हुई सेकेंड ईयर अब एप्टीट्यूड कर रही
उनको जिस लेवल पे फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, ठीक है बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्लास टू क्लास वेरी करता है। हम तो वही है, हमारे ही किसी बच्चे के 99 भी आए हैं स्टडी कॉलेज एट में, और जाहिर है किसी बच्चे का पेपर भी रुका। तो अगर किसी एक बच्चे के भी 99 मार्क्स आ गए ना बोर्ड में, और उससे आप खुद पूछ सकते हैं, सवाल एप्टीट्यूड में है हमारे पास कि एग्जैक्टली मेरे अल्फाज ही याद करके लिखे, तो बेटा इसका मतलब मेरे मेरे अंदर ये पोटेंशियल है कि मैं किसी बच्चे के इतने मार्क्स लेके आ सकता हूँ। उस बच्चे के अंदर पोटेंशियल का होना जरूरी है, पेपर मैं तो नहीं दूंगा जाके। लेकिन बेटा आप लोग जब जवाब नहीं दे रहे होते और आपको 2 हफ्ते पहले की पढ़ी हुई बात याद नहीं होती, तो आपका ये एटीट्यूड शो कर रहा होता है, आपका ये एटीट्यूड शो कर रहा होता है कि आप लोग शायद या तो ऑनलाइन की वजह से या वायरल जवाब बनाना मुनासिब नहीं है, शायद आप लोग का लेवल वो नहीं है जो आज तक मैंने स्टडी कॉलेज एट में पढ़ाया है। वैसे भी बेटा हर गुजरते साल स्टूडेंट्स का लेवल डाउन होता जा रहा है, हमारा मेट्रिक सिस्टम घटिया से घटिया होता जा रहा है इस वजह से। तो देखिए इन ये बातें कहने पे मैं मजबूर हो रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले पढ़ाई हुई बात आपको याद नहीं है। तो देख लें, आप खुद से बता दीजिएगा कि आप किस तरह का पढ़ना डिजर्व करते हैं। आप एवरेज पढ़ना डिजर्व करते हैं तो आपको एवरेज पढ़ाएंगे, अगर आप जबरदस्त पढ़ना डिजर्व करते हैं तो आपको जबरदस्त पढ़ाएंगे, अगर आप 99 वाला पढ़ना डिजर्व करते हैं तो आपको वैसा पढ़ाएंगे, अगर आप 40 वाला डिजर्व करते हैं तो 40 वाला। बट ये डिसाइड आपको करना है, ठीक है बेटा। मैं कोई आप लोगों को तसल्ली नहीं दूंगा कि नहीं नहीं बेटा मैं तो आलम चन्ना नहीं, क्या था वो, हातिम ताई हूँ भाई, मैं तो सबको बांटूंगा, ऐसे ही ऐसे कोई सीन, ठीक है भाई। सीधा प्रोफेशन है और प्रोफेशनल मामला है, पढ़ना है पढ़ोगे, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ोगे, ठीक है बेटा। तो अगर 2 हफ्ते पहले पढ़ाई भी बात आपको याद नहीं है तो अपने अंजाम का खुद सोच लें कि क्या होगा आगे। तो मैंने आपको बोला था कि दो गैसेस अलग अलग कंटेनर में हैं, उनको एक ही कंटेनर में डाल दिया, मिक्सचर बन गया, दोनों गैसेस का पहले जितना प्रेशर था उसको ऐड किया, टोटल प्रेशर आ गया। ऐसा सिर्फ जब मुमकिन है जब वॉल्यूम क्या हो सेम, जब बेटा इन दोनों का वॉल्यूम सेम होता और इस तीसरे कंटेनर का वॉल्यूम भी सेम होता तो बस मैं सिंपली ऐड करता और मेरा टोटल प्रेशर आ जाता। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है और हमने पढ़ाया बेटा वॉल्यूम चेंज होने से प्रेशर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू विच लॉ, हमने पढ़ा है कि जब वॉल्यूम चेंज होता है तो प्रेशर भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू विच लॉ, ऑब्वियसली बॉयल्स लॉ। तो ऑब्वियसली बेटा जब मैं हाइड्रोजन गैस को इस 500 सेंटीमीटर क्यूब वाले कंटेनर से 600 सेंटीमीटर क्यूब वाले कंटेनर में डालूंगा तो 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का डिफरेंस आ रहा है, तो प्रेशर ये नहीं रहेगा, है ना, प्रेशर भी चेंज होगा। इसी तरह जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को इस 330 वाले से 600 वाले में डालूंगा तो जाहिर है वॉल्यूम में इतना फर्क आ रहा है तो प्रेशर ये नहीं रहेगा, प्रेशर भी चेंज होगा। इस वजह से मैं इन दोनों को ऐड नहीं करता, तो मुझे लगाना पड़ेगा बॉयल्स लॉ। देखो बेटा हाइड्रोजन पहले इस कंटेनर में, पहले जिसमें होता है उसे इनिशियल, बाद में जिसमें क्या उसे क्या कहेंगे फाइनल। बेटा हाइड्रोजन गैस पहले इस कंटेनर में है तो इस कंटेनर में हाइड्रोजन के प्रेशर को कहूंगा P1, इसके वॉल्यूम को कहूंगा V1। बाद में हाइड्रोजन इस कंटेनर में आ गई, इसको क्या कहूंगा V2। अब देखो बेटा फॉर्मूला, P1 आ गया, V1 आ गया, V2 आ गया, P2 निकाल लोगे, P2 क्या होगा इस वाले कंटेनर में हाइड्रोजन का प्रेशर। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड पहले इसमें है तो ये प्रेशर P1 हो गया, ये वॉल्यूम V1 हो गया, बाद में इस कंटेनर में डाल दी तो ये वॉल्यूम V2 हो गया। अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का भी P1 गिवन है, V1 गिवन है, V2 गिवन है, P2 निकाल सकते हो, P2 क्या होगा इस नए कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। बेटा जब इस नए कंटेनर में हाइड्रोजन का प्रेशर भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर भी आ गया, उसे ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा इस नए कंटेनर का टोटल प्रेशर। बेटा समझ में आया किस तरह से होगा, समझ में आ रहा है किस तरह से सवाल हल होगा। अब इसको लिखने का तरीका देखोगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालो और इसमें सब हेडिंग डालोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन PH2, ठीक है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन PH2। अब देखो बेटा हाइड्रोजन का
500 सेंटीमीटर क्यूब पहले जिस कंटेनर में है उसका वॉल्यूम, V2 बाद में जिस कंटेनर में आ गई उसका वॉल्यूम 600, पहले कंटेनर का प्रेशर P1 400 टॉर, दूसरे कंटेनर का प्रेशर P2 फाइंड करना है। वी नो दैट डी बॉयल्स लॉ के मुताबिक P1 V1 किसके बराबर है, P2 V2 के। हमें P2 निकालना है, V2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के क्या होगा डिवाइड, तो P1 V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2। वैल्यूज लगा दो बेटा, P1 प्रेशर कितना है 400 टॉर्क, V1 वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब, V2 वॉल्यूम कितना है बेटा 600 सेंटीमीटर क्यूब, P2 निकालो क्या आ रहा है। अच्छा भाई P2 आ जाएगा 333.33, ये आ रहा है टॉर्क। यानी भाई इस नए कंटेनर में हाइड्रोजन गैस का कितना प्रेशर आ रहा है 333.33 टॉर्क। अब हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी CO2 से। ठीक है भाई, अब हम क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड पहले जिस कंटेनर में है उसका वॉल्यूम V1 कितना है 330 cm³, बाद में जिस कंटेनर में डाल दिया उसका वॉल्यूम V2 कितना है 600 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा पहले कंटेनर का प्रेशर P1 कितना है 630 टॉर, दूसरे कंटेनर का प्रेशर P2 करना है फाइन। ठीक है बेटा, नाउ वी नो दैट P1 V1 is equal to P2 V2। अगेन बेटा P2 निकालना है, तो V2 इधर आगे क्या होगा डिवाइड, तो P1 V1 अपॉन V2। वैल्यूज लगा दें बेटा, P1 प्रेशर कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का 630, V1 वॉल्यूम है 330, V2 वॉल्यूम है 600। तो P2 प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ गया 346.5 टॉर। तो बेटा हाइड्रोजन के P2 का क्या मतलब है, इस नए कंटेनर में हाइड्रोजन गैस का प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड के P2 का क्या मतलब है इस नए कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। अब जब नए कंटेनर में दोनों गैसेस का प्रेशर आ गया, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे टोटल प्रेशर पी टोटल। ठीक है बेटा, हम क्या निकालेंगे टोटल प्रेशर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे पी टोटल। टोटल प्रेशर कैसे आएगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 333.33 और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 346.5। ऐड करके बताओ बेटा दोनों का 679.83 टॉर।
हमारे पास टोटल प्रेशर ठीक है बेटे, समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, आमना आमिर, अली अहमद, आमना हक, वफा, सुमेका, रमीशा, क्लियर है? आसान है मुश्किल है? सारे ऐसे ही हैं, वैसे टाइप मुश्किल है ना, तो सारे सवाल एक जैसे ही। खैर, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि टाइप मुश्किल है, और मैंने कहा था कि वे ऑफ डिस्क्रिप्शन से फायदा ये होगा कि आपको आसान लगेगा इंशाल्लाह। तो बेटा ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हाउ वी डिस्क्राइब द थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा मुझे आपको पास्ट पेपर का सवाल देना है, लेकिन मेरे पास इस वक्त 10 ईयर नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, अगर 3 गैसेस का तस्करा होता तो क्या होता? जैसे बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 400 टॉर, 330 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 630 टॉर, और मैं आगे लिख देता 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 700 टॉर, तो क्या होता? फिर बेटा 2 की बजाय 3 गैसेस होती, तीनों को एक ही कंटेनर में डाल देता, तीनों का इसी तरह कैलकुलेट कर लेते, तीनों का V2 सेम होता, P1 V1 गिवन होता। ठीक है भाई, आसान है? हाँ भाई वफा, आसान है? अच्छा भाई, सवाल फिर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोग अभी करके बताओगे मुझे। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है देखो सवाल, 1500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 300 टॉर, 1100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट 550 टॉर एंड 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट 650 टॉर आर ट्रांसफर्ड इनटू अ कंटेनर ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी, वॉट इज द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर? हाँ भाई कर लेंगे, शुरू हो जाए। तो बेटा जो सवाल है,
इसमें 1500 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन गैस का V1 है, 300 टॉर P1 है, और बेटा दूसरे कंटेनर का 1000 जो है वो V2 है। इस तरह आप नाइट्रोजन गैस का P2 यानी कि नए कंटेनर में पार्शियल प्रेशर निकालोगे 450 टॉर। इसके बाद बेटा 1100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन का V1 है, 550 टॉर ऑक्सीजन का P1 है, और ऑक्सीजन को भी उसी कंटेनर में डाला है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब उसका V2 हो गया। कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीजन का P2 आएगा 605 टॉर, ठीक है बेटा, यानी नए कंटेनर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आएगा 605 टॉर, ठीक है बेटा। इसके बाद 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, तो मीथेन का V1 800 सेंटीमीटर क्यूब, P1 650 टॉर, और बेटा इसको भी उसी कंटेनर में डाला है 1000 सेंटीमीटर वाले, तो बेटा इसका भी V2 हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। P2 निकालोगे तो मीथेन का आएगा 520, 520 टॉर। अब जब तीनों का P2 आ गया, P2 है क्या, मैंने बताया नए कंटेनर में तीनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर, तो आप उन तीनों को ऐड करोगे 450 प्लस 605 प्लस 520, ये आ जाएगा आपके पास 1575, 1575 टॉर। बेटा बता दीजिए हो गया है सबका, समझ में आ गया है सबको अच्छे से? जी बेटा, आमना आमिर अली है। अच्छा बेटा, अब आपने ना एक काम ये करना है कि आप में से जिनके पास 10 ईयर मौजूद है ना, तो आपको मैंने बताया कि 10 साल में 4 मिल जाएंगे सवाल इसके। अब नई 10 ईयर तो आएगी नहीं क्योंकि इस साल पेपर हुआ नहीं है, तो किसी अगर बड़े बहन भाई की पढ़ी हुई हो पिछले साल वाली तो वो चला लो, ठीक है बेटा। और 5 ईयर में ढूंढ ढूंढ के इसके तीन चार सवाल है ना, वो आप लोग करोगे खुद से। आज के लिए बेटा इतना ही, अल्लाह हाफिज़।